भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का गाना लहंगा लसलस करा था, आप सभी ने सुना होगा। जल्द ही 70 मिलियन पहुंचने वाला है, 30 मिलियन और चाहिए, 30 मिलियन और चाहिए इस गाने को 100 मिलियन तक पहुंचाने के लिए। वहीं तकरीबन इस गाने को 5 लाख लाइक्स मिल चुके हैं, 5.5 लाख, 5 लाख से भी ज़्यादा, 5.5 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। और आपको क्या करना है, और 5 लाख लाइक्स इसमें ऐड करने हैं तो ये सबसे तेज़ी से लाइक पाने वाला गाना बन जाएगा। इस गाने ने आपको बता दे कि पवन का जो पिछला होली सॉन्ग था कमरिया वाला, वो जो हिंदी सॉन्ग था, उसे भी पछाड़ा है लाइक्स के मामले में। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया है। अब इस गाने से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर हम नज़र डालते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब ये गाना रिलीज़ हुआ था तब इसके साथ कई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जैसे अमूमन पवन के हर गानों के साथ हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, कंट्रोवर्सी ये शुरू हुई कि पवन ने अपना ये गाना ऐड लगाकर इतने ज़्यादा व्यूज़ लाए हैं, अगर ऐड लगाया जाता तो खेसारी का गाना इससे बेहतर होता। तो खैर, हम आपको बता दें कि खेसारी के भी कई गाने ऐड लगाकर कट, तो खैर हम आपको बता दें कि खेसारी के भी कई गाने हैं जो ऐड लगाकर व्यूज़ लाए गए हैं, लेकिन फिर भी पवन के इस व्यूज़ को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया। बहुत ही तगड़ा व्यूज़ बनाया इस गाने ने एक दिन में, और आपको बता दें अभी भी ये गाना बदस्तूर व्यूज़ बना ही रहा है। तकरीबन 70 मिलियन पहुंचने वाला है ये सॉन्ग। और आपको ये बता दें कि 30 मिलियन और आप जितने भी फैंस हैं पवन के, उन्हें और एक बार हिम्मत करनी है और इस गाने को 30 मिलियन तक और बढ़ाना है ताकि ये 100 मिलियन हो जाए। और जहाँ ये गाना 100 मिलियन होगा तो उस हिसाब से जब देखा जाएगा तो पवन के गाने भले ही होली में कम आए हों लेकिन वो सुपरहिट रहे। तो जितने भी पवन के फैंस हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें ये गाना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। आपको बता दें कि जिस तेज़ी से ये गाना बढ़ रहा है उसे देखकर ये लग रहा है कि ये गाना जल्द ही 100 मिलियन क्रॉस हो जाएगा। और वहीं पर खेसारी का 2 रुपया जो गाना था वो भी 1 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, एक नहीं आप ये कह सकते हैं कि 1 फरवरी को रिलीज़ हुआ और अब आ चुकी है 23 फरवरी। तो आप समझ सकते हैं कि 23 फरवरी तक इस गाने ने 101 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है। जल्द ही इस गाने को 2 महीना भी लग जाएगा। और आपको ये बता दें कि अगर पवन का सॉन्ग 1 महीने से भी पहले, जो कि पवन का सॉन्ग 12 फरवरी को रिलीज़ हुआ था, और अब इस गाने को भी रिलीज़ हुए 1.5 महीने हो चुके हैं, 12 अप्रैल तक आने से पहले इस सॉन्ग को अगर 101 मिलियन या 100 मिलियन हो जाता है तो पवन का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सॉन्ग होगा ये, और पवन का एक सबसे सुपरहिट सॉन्ग होगा। पवन का ये पहला सॉन्ग होगा जो 100 मिलियन क्रॉस हो जाएगा, होली वाला सॉन्ग होगा, ये पहला होली वाला सॉन्ग होगा जो 100 मिलियन क्रॉस होगा। उनका पिछली बार वाला होली सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, लेकिन हिंदी वाला पहला होली सॉन्ग जो निकला था वो भी अभी तक 100 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाया है। तो लाइक्स की बात करें तो लाइक्स के मामले में भी पवन का ये गाना बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहा है। तो अब सारे हथकंडे जो हैं जो अपनाने पड़ेंगे पवन के फैंस को, यही कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करें, लोग देखें, इस गाने को देखें और 100 मिलियन क्रॉस हो, ताकि आप सभी जश्न मना सके कि पवन का ये पहला सॉन्ग 100 मिलियन क्रॉस हो चुका है। वहीं खेसारी इस मामले में पवन से कहीं आगे हैं। भतीजवा का मौसी जिंदाबाद हो या फिर 2 रुपया हो, सभी सॉन्ग 100 मिलियन से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।